इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीस्पास टेबलेट के बारे में, जिसका सेवन मुख्यतः पेट दर्द में किया जाता है। इसके साथ और भी काफ़ी सारी कंडीशंस में इस टेबलेट का सेवन किया जा सकता है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इस टेबलेट का डोज क्या होना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किन लोगों को इस टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी लेने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ। अगर एंटीस्पास टेबलेट की बात करें तो यह फ्रैंकलिन कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर कंटेंट्स की बात करें तो इसमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल इस टेबलेट के अंदर डाले होते हैं। प्राइस की बात करें तो इसके 10 टेबलेट के स्ट्रेप की कीमत है 40 रुपये और यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। टेबलेट के बारे में जानने के बाद आगे बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, एंटीस्पास टेबलेट का प्रयोग मुख्यतः पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ सर दर्द हो, दांत का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कान का दर्द हो, घुटनों और जोड़ों का दर्द हो, किसी चोट का दर्द हो, मोच का दर्द हो, स्टिचिंग में दर्द हो, किसी ऑपरेशन के बाद दर्द हो, तो इस टेबलेट का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ महिलाओं में मासिक धर्म के वक्त पेट में और पीठ में होने वाले पेन में भी काफ़ी फायदेमंद होती है। इन सभी के अलावा यदि किसी को हल्का फीवर हो तो भी इस टेबलेट का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल होता है जो कि बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं इस टेबलेट को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि कोई डाइसाइक्लोमिन या पैरासीटामोल से एलर्जिक हो या किसी ने अल्कोहल का सेवन किया हो तो वो इस टेबलेट को ना लें। इसके साथ यदि कोई प्रेग्नेंट वूमेन इसका इस्तेमाल करना चाहती हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। यदि डोज की बात करें तो एक अडल्ट व्यक्ति सुबह शाम एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद ले सकता है। बच्चों को यह टेबलेट नहीं देनी चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, यह टेबलेट लेने के बाद चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, दस्त होना, खुजली होना, नींद आना, रेडनेस होना, धुंधला दिखाई देना जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपको इनके अलावा कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस टेबलेट को लेने के बाद ड्राइव पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बाद चक्कर आ सकते हैं या नींद आ सकती है, जिससे कि ड्राइव पे जाने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए एंटीस्पास टेबलेट लेने के बाद ड्राइव पे मत जाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपके मन में इस दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।